वेलकम टू द ब्लॉग वंस अगेन। सो आज का ब्लॉग शुरू हो गया है। पापा ने आज हमें जल्दी उठा दिया और उसके बाद अभी हमने कहीं जाना और उसके बाद फिर हमने एक और जगह जाना है। तो मैं सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ और आज है सैटरडे, कल है मेरा सर्टिफिकेशन डे। तो मुझे सर्टिफिकेशन डे के लिए भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। ये मेरा बिल्कुल बेसिक स्किन केयर आज मैंने करके रेडी कर रखी है और मैंने कल रात को अपने फेस पे आई अप्लाई करी थी। तो उसके बाद जो स्किन केयर है उसका रिजल्ट कुछ इस हिसाब से है। तो आप लोगों के आगे है ये कैसा चल रहा है मेरा स्किन केयर का रूटीन और ये मैंगो की वजह से पिंपल हो रखे हैं। एंड अभी मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, जस्ट एक बार वो मेरे पापा आ जाए और उसके बाद हमें पता चले। सो पीपल, मैं नीचे चाची के पास टिप्स लेने आई थी ब्लॉग की। मैंने कल के ब्लॉग में कुछ भी खाना नहीं दिखाया। मीन्स हमें अपने घर के सीक्रेट्स मैं ये कह रही हूँ, सुनिए कभी भी नहीं देने चाहिए। देख पहले हम बाहर बैठ गए, गाड़ी ठंडी कर रहे हैं, जैसे मम्मी और आरती आ रही है। अब आए हैं हल्दीराम और आज हमारा ब्रंच इधर ही है। मेरी फोटो लेने के लिए चक्कर में देख साथ आइए, देखो कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देख लो शेड्स पहन के आ रहे हैं। पापा बैग वाली दुकान पे चलेंगे एक बार, लास्ट में देखाऊंगी क्या है मॉडर्न बाजार। पापा आते हैं सब्वे खाने, हमें तो सब्वे पसंद भी नहीं है। मेरे दोस्त पापा यहाँ होते थे, मेरे को फोन आ जाता था तेरा बाप इस टाइम सब्वे पे है। तेरा पापा को देख लो। तो दोस्त पापा, अब मेरे को ये पता है कि देखो हमें तो सब्वे से ऑर्डर करना आता नहीं, मेरे पापा को ही आता ऑर्डर करना, आज तक मेरे को नहीं आया। देख लो कितने मॉडर्न है। डाले रखो यार फिर आराम से। पापा यार क्या, हम बैठ गए यहाँ पे, कहेंगे अभी देखो अब चल रहा ऑर्डर अभी हमारा। हमने अपनी ड्रिंक्स लेके जा रहे हैं और अब देखो क्या है, पापा मम्मी पीछे बैठे हुए हैं और देखते हैं आज का रिव्यू डालते हैं। मेरे को ज़्यादा अपना फिर भी अच्छा लगता है। हम मैं इसको अपना स्किन केयर दिखा रही थी। अरे अपने कोल को अंदर का स्टाफ देख रहे हैं, साई डोसा वहाँ पे सारा काम। पापा अब लस्सी का रिव्यू देंगे, लस्सी बताओ पापा। राजमा राइस छोले भटूरे इज वेरी नाइस, नाउ वी विल ट्राई राजमा राइस। हमारा है गया सांभर और रवा मसाला। पापा कैसा लगा आपको है? अच्छा। कैसा लगा देखो मम्मी? पे है कचौड़ी खस्ता वाली, कैसे डस्टबिन में फेंक दिया। तेरे ये दादा के लिए लस्सी लेने के लिए आराम कर रहे हैं। हाँ बोलो पापा बोलो। जब से मोटल से आए तेरी माँ की कहाँ कहाँ खत्म हो रही है? नहीं नाना पार्ट कर लगा दे। नाना पार्ट कर पार्ट टू। इधर देखना पापा, क्या बात कर रहा हूँ समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल हो गया। मेरी लाडो गई है लस्सी लेने के लिए। एक काम कर रही है वो, क्योंकि हल्दीराम में सिर्फ मैं ही सामान ला रही थी, बिल लेके आ रही थी। इनकी बेटी ने एक काम कर दिया तो बस आज वो मान बन जाएगी। और दोपहर की ड्यूटी उसकी है, वो मम्मी के साथ हेल्प कराएगी अभी, तो वो और मान बन जाएगी। लेकिन रात को जो बंदा काम करता है वो मान नहीं बनता। लस्सी ले आई है, लस्सी फाइनली आफ्टर वन आवर। बाबा यहाँ पे और कचौड़ी बहुत जा रही थी तो उठा लेती, फिर एक खा लेते हम। भाई पेट देखो ऊपर तक जा गए ना। तो पीपल मैं जा रही हूँ मंदिर मत्था टेकने के लिए, डेली की आदत बनानी है मैंने मंदिर जाना। माता आंटी भी मेरे को मिस कर रही थी। मम्मी रात को क्या बनाया? और पनीर रखा हुआ है, मैं वो ब्रेड ले आऊँगी अपने लिए सैंडविच खाऊंगी। गाइस मैं सबसे पहले जा रही हूँ मंदिर मत्था टेकने के लिए और पहले हम जाते हैं, सबसे पहले नीचे भी मिल के आती हूँ सबसे और ब्रेड भी लेके आऊँगी। क्योंकि गर्मियों में ना खाना खाने का मन नहीं होता है, ब्रेड वेड ही खा लो तो बहुत बेटर लगता है मुझे, मेरे से रोटी नहीं खाई जाती। मैं नीचे आ गई हूँ, आज का ब्लॉग मैंने चाची के साथ शुरू करा था। बैठी हूँ मैं चाची के साथ, आज मैंने कुछ नहीं दिखाया खाने में। पूछो क्यों? क्योंकि हम हल्दीराम गए थे। हल्दीराम को दिखाया, वहाँ का दिखा सकते। चाची ने कहा बाहर जो खा रही है खा, घर का नहीं।
क्या कर रहे हो अभी? कुछ नहीं कर रही, टाइम पास। मंजा है? एक तो सारे अलग अलग बैठते हैं। गाइस माता जी पूरी खुश हैं मेरे को देख के। माता जी की मेरे को पूरी स्माइल आ जाती है। मैं फिर दिखाऊंगी आपको कैप्चर करके। मंदिर में मैं उनको वीडियो लेके जाना तो फोन में जाना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। मत्था टेक लिया हमने, अब हम चलेंगे घर। सभी पर बंदर आ रखे हैं बाहर, और हमारी गली में ना भी किसी को एक दिन पहले बंदर काट भी गया। मैं तो फटाफट घर आ गई कि भाई रेस्क्यू लेना, कहीं मेरा वैसे सर्टिफिकेशन है। सो पीपल मैं आ गई हूँ मंदिर से, और ना अच्छी बात है जाना भी चाहिए डेली। और मैं बस अभी अपने कार्ड्स को ना रिफ्रेश कर रही थी यहाँ पे। मतलब जब भी मैं टैरो का सेशन लेती हूँ ना, इन सारे कार्ड्स को इकट्ठे साफ करके एक जगह रख रही थी, मेडिटेशन कर रही थी। तो अब बस 8 बजे मेरा ब्रेक होगा, जब मुझे दादा को खाना देने जाना होगा। उससे पहले मैं काम ही कर रही हूँ यहाँ पे। गाइस मैं जस्ट अभी दादा को खाना दे के जा रही हूँ ऊपर। मेरा दिन का चर्चा यही है कि मुझे समझ नहीं आता मैं ब्लॉग में क्या एक्स्ट्रा चीज़ डालूँ। बट अगर डेली ब्लॉग करने बता ही रखा है, ठान ही रखा है, तो ठीक है, तुम भी स्किप करके देख ही रहे हो जहाँ तक मुझे लग रहा है। तुम बड़ी मेरी इतनी बातें सुनने वाले हो, अरे यहाँ तक सुन भी लिया तो शर्म के मारे लाइक कर दो। लाइक के तो मुझे भी पैसे नहीं मिलने वाले, ना मुझे सब्सक्राइब के पैसे मिलने वाले हैं, तो कर दो। बना रही हूँ मैगी फॉर मी एंड माई मदर। ठीक है, जो मेरी मम्मी खाती हैं बाहर की, वो है मैगी। मैं फटाफट मैगी बना रही हूँ, मुझे वेजिटेबल वाली है। उसके बाद 10 बजे मेरा सेशन भी है, और फिर उसके बाद मेरा कल सर्टिफिकेशन डे भी है। सो मैगी रेडी है मम्मी मेरी। ठीक है, मैं आपका एक रिव्यू रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अपना नाम मत बताना कि आपका क्या नाम है। बाकी मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपका सेशन कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा था। मतलब टू द पॉइंट, जो भी जितना भी आपने बताया ना, एक बहुत पहली मतलब टू द पॉइंट था। एक भी चीज इधर उधर निकली, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। मतलब ये छोड़कर भी जैसे और लोगों के बीच से रिलेट करते हैं, उनका भी बिल्कुल टू द टॉपिक टू द पॉइंट टू पॉइंट था। क्या मतलब जैसा आपने बताया। पीपल आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मेरा एक टैरो का सेशन हुआ, मैंने उसका रिव्यू भी अपने इंस्टाग्राम पे डाला, और बस अभी अपना नाइट केयर रूटीन करूँगी। और थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विथ सच अ गुड स्किल, और फॉर हेल्पिंग मेनी मेनी पीपल आउट देयर। सो थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हो गया, मिलते हैं।